हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ नई वीडियो लेकर, और ये बताने के लिए कि नेक्स्ट वीक जो हमारा आने वाला है, जो कि 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा, उसमें हर जोडियक साइन का वो किस तरह का रहेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। ये चार्ट बेसिकली हमें बता रहा है कि कौन से जोडियक साइन का जो रूलर है वो कौन सा प्लैनेट है। हर जोडियक साइन जो है उसका एक रूलिंग प्लैनेट होता है, जो जिसके ऊपर ज़्यादा मेजर इफेक्ट्स जो हैं वो जोडियक साइन पर उस प्लैनेट की वजह से पड़ रहे होते हैं। जिस तरह एरीज का मार्स है, टॉरस का वीनस है, तो ये चार्ट वो बता रहा है। मैंने कहा आपकी एजुकेशन के लिए आपको पता हो कि आपके जोडियक साइन का हाकिम सैयारा कौन सा है। आइए शुरू करते हैं हॉरोस्कोप। सबसे पहले जो हॉरोस्कोप है वो एरीज वालों का है। जो भी लोग 22nd of March से 21st of April के दरमियान में पैदा हुए हैं, उनका जोडियक साइन एरीज है। इस हफ्ते एरीज का जो जोडियक साइन है उसके ऊपर जो ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है वीनस का। वीनस जो है उसकी कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं वो इम्पेक्ट करेगी उन लोगों पर जो कि एरीज जोडियक साइन के अंदर पैदा हुए हैं, और नंबर 6 उनके ऊपर इम्पेक्ट करेगा। 6 क्या है? 6 बेसिकली वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 6 जो है वो लग्जरी को, ब्यूटी को, आर्ट को, फ्रेंडशिप को, पीस को, हारमोनी को जो है वो सपोर्ट करता है, फेवर करता है। एनी कंसर्न रिगार्डिंग अ ट्रीटी और एग्रीमेंट, कोई भी आपकी किसी के साथ मुहैदा हुआ हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है, और अ सोशल गेट टुगेदर, और कोई भी आपकी गेट टुगेदर है किसी के साथ, वुड वॉन्ट 6 एज इट्स फाइनल डिजिट। तो उसके अंदर 6 अगर फाइनल डिजिट आए तो फिर आपको उसमें कामयाबी मिलती है। 6 कैन ऑल्सो मीन गिफ्ट फ्रॉम वुमेन। आपका जो फीमेल काउंटर पार्ट है उसकी तरफ से जो मेल्स हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। 6 इज़ एसोसिएटेड विद ज्वेलर्स, ज्वेलर्स ज्वेलरी के साथ, ज्वेलर्स के साथ एसोसिएटेड है, म्यूजिशियंस के साथ, एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, दोज इन्वॉल्व इन फैशन। मैंने आपको बताया लग्जरी से लिंक है ये प्लानट जो है, ब्यूटी से लिंक है, कॉस्मेटिक्स लोगों को खूबसूरत बनाने की जो आर्ट है उससे लिंक है। अगर आपका उससे रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एरीज वाले इस वीक शुरू करते हैं तो भी उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा, ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की वजह से। गार्डन्स, फाउंटेन्स, बेड्स, डांसिंग स्कूल्स, फर्नीचर मर्चेंट्स, केटरर्स, ग्रूमर्स, क्लेव्स, गोट्स, डियर एंड फ्राइडे। और आपके लिए जो इस दफ़ा दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा वो तो फ्राइडे का दिन रहेगा। ये जो ओवरऑल आपका जो वीक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस, ये बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, और पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी इस वीक के अंदर। और एरीज वालों को कोई भी अपना नया काम करना शुरू करें तो ये अल्लाह ताला का जो नाम है इसमें आज़म जो एरीज के जोडियक साइन के लिए है वो है या रज़ाक़ु या रहमानु या अल्लाहु या अल्लाह। अपना हर काम करने से पहले इस जिक्र को करके अपना काम करना शुरू करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल ना हो, और जो आप काम शुरू करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से जो है वो अपने अख्तितम तक पहुंचे और आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी उसके अंदर मिले। तो बड़ा पॉजिटिव आपके लिए ये वीक रहेगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट जोडियक साइन पे, टॉरस। अगर आप अप्रैल 22nd से मई 21st के दरमियान पैदा हुए हैं तो आपका जोडियक साइन टॉरस है, और टॉरस के ऊपर जो इस हफ्ते सैयारा जो है वो क्या कहते हैं अपनी कॉस्मिक रेडिएशंस डालेगा और इम्पेक्ट करेगा, वो बेसिकली सैयारा तो उसको नहीं कहा जा सकता, वो केतु कहलाता है, बेसिकली प्लैनेट केतु। केतु बेसिकली जो है वो सदर्न नोड है आपके मून का। 7 रिप्रेजेंट्स दी ब्लैक मून, 7 ब्लैक मून को यानी इक्लिप्स्ड मून को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नोन एज केतु, इसको केतु कहा जाता है। 10 सब नोडल पॉइंट यानी कि जो चांद का साउथ वाला हिस्सा है उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं केतु, और जो नॉर्दर्न रिफ्लेक्शन है उसको कहते हैं राहु। तो ये जो आपका साउदर्न नोड है इसको केतु रिप्रेजेंट करता है। इट रिफर्स टू लाइफ, टू द लाइफ ऑफ माइंड, ये बेसिकली आपके जहन से रिलेटेड है, आपकी जो सोचों से रिलेटेड ये प्लैनेट है। ये नेगेटिव थॉट्स भी लेके आता है आपके जहन में, एनीथिंग रिक्वायरिंग रीज़न, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको रीज़न चाहिए होता है या आपको प्लानिंग चाहिए होती है, तो वो इस वीक में आपके लिए फेवर्ड है। यानी कि अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई आप मेंटल कोई
कोई किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, कोई आइडिया लेके आते हैं, कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं किसी चीज़ को कंसीव करने के लिए कि कैसे उसको पूरा किया जाएगा, कोई प्लान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ये फेवर करेगा। लेकिन बिज़नेस और रिलेशनशिप्स के लिए ये पॉजिटिव नहीं है। यानी आपकी अपने प्यारों से भी लड़ाई हो सकती है आपकी, जो क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक सिचुएशन में इस तरह की रहेगा, एक पोजीशन में इस तरह की रहेगा कि वो सोचेगा ज़्यादा, और उसकी वजह से फिर आपको जो है वो आपको कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। सेवन जो है ना वो इस तरह का नंबर है कि इसके जब ये आ जाए, आप कोई काम शुरू करते हैं तो फिर सेवन जब उसके अंदर दाखिल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है कुछ हद तक, तो उसमें फिर जो आपका काम है उसका नतीजा आपके एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो डिपेंड करेगा डिवाइन जो इंटरवेंशन है, यानी अल्लाह ताला आपकी कितनी मदद करता है, आप जो लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आप अपने लिए दुआ करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा वो काम का जो रिज़ल्ट है, और आपके एफर्ट्स के ऊपर नहीं, बल्कि वो आपकी जो कनेक्शन है विद द डिवाइन उसके ऊपर, उसके साथ जुड़ा होगा और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा वो काम। इस वीक में जो भी आप इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर फिर यही कुछ हालात रहेंगे कि उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी डिवाइन फेवर, यानी अल्लाह की तरफ से जो आपको मदद मिलती है गैबी, ना कि और आप जो दुआ करते हैं उसकी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि जो है वो आपके एफर्ट्स के ऊपर। सेवन इज एसोसिएटेड विद वॉल्चर्स, गिदों से जुड़ा हुआ है, हॉर्नड एनिमल्स जिनके सींग होते हैं उन जानवरों से जुड़ा हुआ है, प्लेसेस बिलो ग्राउंड ग्रेव्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, ये केव्स खारों से जुड़ा हुआ है, फैनेटिक्स फॉर अ कॉज वो लोग जो शिद्दत पसंद होते हैं, और ये बेसिकली केतु जो है जहन में शिद्दत के जज्बात लेके आता है, सही किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो फैनेटिक थॉट्स के साथ ये जुड़ा होगा। सही है, सॉलिटरी पीपल दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड, जो अपने दुनिया को से दूर हो जाते हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि रूहानी तौर पे आज़ादी उससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रेजर से जुड़ा हुआ है हिडन, और ये विजडम बेयरर से जुड़ा हुआ है जिनके पास अक्ल होती है, जो जहनी तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये उनसे ये आपका जो है ये हिंसा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के वाकियात, इस तरह के लोग आपके सामने आ सकते हैं, स्पिरिचुअल लोग आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, और ये जो है इस दफ़ा आपका हिंसा जो टॉरस वाले हैं इनके ऊपर जो असर अंदाज हो रहा है वो केतु है, जिसको छाया ग्रह भी कहते हैं, शैडोई प्लैनेट भी कहते हैं। टॉरस वाले जो भी काम करें उसको शुरू करने से पहले ये जो आपके बर्ज का क्या कहते हैं इसमें आज़म है उसको ज़रूर पढ़ के करें, या रहीम या रहमान या रज़ाकू या अल्लाह ये पढ़ के ज़रूर अपना काम शुरू करें, ताकि जो भी काम आप शुरू करते हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सके। जेमिनी पे आ जाते हैं, अगर आप 22 मई से लेकर जून 21 के दरमियान पैदा हुए तो आपका जोड़ी एक साइन जेमिनी है। जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, इस हफ़्ते जेमिनियंस वालों को जो अफेक्ट करेगी इम्पेक्ट करेगी वो सन है, और नंबर वन है, वन इज़ द नंबर ऑफ सन, वन सन को रिप्रेजेंट करता है एंड टिपिकली मींस इमीडिएट सक्सेस, हर काम जो आप इस हफ्ते शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ़ इट रिगार्ड्स अ न्यू परसुएट, अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, आप उसको शुरू करेंगे आपको उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी, एट एनी रेट द रिजल्ट्स विल कम सून, और इस तरह का जो आप वीक में जो काम शुरू करेंगे उसके नतीजे बहुत जल्दी आना शुरू होंगे और आपको बेनिफिट करना शुरू हो जाएंगे। वन इज़ एसोसिएटेड विद द ईगल, ये ईगल से एसोसिएट होता है, लॉइन से जुड़ा हुआ है ये हिंसा, ये जो नंबर है ये जो प्लानट है ये मेल रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है, पैलेसेस से जुड़ा हुआ है, थिएटर से, बीचेस से, डेजर्ट से, ऑफिसर्स से, जजेस से, पॉलिटिकल लीडर से, अगर आपका किसी ऑफिसर से कोई काम निकलता है तो शायद इस हफ्ते वो बहुत हद तक जो है वो कंप्लीट हो जाए, जजेस से मींस कि अगर इस हफ्ते कोई आपका कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी होगी, आपके फेवर में कुछ बातें जाएंगी, पॉलिटिकल लीडर से ये जुड़ा हुआ है, गोल्ड से जुड़ा हुआ है, आँखों से जुड़ा हुआ है, और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है ये इंसान, फेवर से जुड़ा हुआ है, आपके सीनियर आपके करीबी आपको फेवर करेंगे, और ये जुड़ा हुआ है संडे से, तो देखिए संडे के दिन आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा इस वीक में, उसको देखिए उस दिन, हो सकता है आप कोई बहुत अच्छा प्लान बनाएं, हो सकता है आप कोई बहुत अच्छा नया काम शुरू करें जो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट करे।
इस अपना कोई भी काम जब आप शुरू करें तो उससे पहले जेमिनाई जो ज़ोडियक है बर्ज है उसका इसमें आज़म जो है वो ज़रूर पढ़ें, या मुइज़ हो या रज़ाक हो या अल्लाह हो, ताकि आप जो भी काम करें उसमें आपको इज्जत भी मिले, आपको उसमें अल्लाह ताला रोज़ी रिस्क भी में भी बरकत डाले। आइए नेक्स्ट जो है वो ज़ोडियक साइन पर चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी ज़ोडियक साइन जो कि कैंसर है, और आपको पता है कैंसर के ऊपर का जो हाकिम सैयारा है या जिसका रूलिंग प्लैनेट है वो मून है। 22 जून से लेकर 21 जुलाई के दरमियान जो लोग पैदा हुए उनका ज़ोडियक साइन जो है वो कैंसर है। दिस वीक फॉर कैंसेरियंस इज़ अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशंस ऑफ प्लैनेट मून एंड नंबर टू। इस हफ्ते कैंसेरियंस के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो भी मून डाल रहा है, तो ये बड़ा डबल फेवर है, यानी मून की एनर्जी दुगनी हो गई। एक कैंसर का अपना रूलिंग प्लैनेट मून है, दूसरा जो मून आपका जो एस्ट्रो गैलोमेंसी के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया है वो भी आपका जो है वो मून निकल रहा है। इससे ये पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हफ्ते। और लेकिन अपने जहन में एक चीज़ छोटी सी ये भी रखिएगा कि मून जो है वो कुछ आपको नुकसान भी देकर चलता है, इस तरह से कि मून जो है वो नंबर टू से जुड़ा हुआ है, और नंबर टू के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी आप फोकस ना कर सकें अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों के ऊपर जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस ना कर सकें। माइंड को फोकस करने की एक्सरसाइजेज आप करें, सही है, मेडिटेशन करें ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे। इस वीक कुछ अनइजीनेस ला सकता है, कुछ इनस्टेबिलिटी हो सकती है आपके साथ जो सिचुएशन हो रही है उसके अंदर। ऑफन इंडिकेट्स द नीड फॉर सम गाइडेंस और स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड, आपको दूसरों से पावर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी मदद करें, आपको समझाएं, आपको मशवरा दें किसी चीज़ में, जो कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई आपका सीनियर हो सकता है जो आपको मशवरा दे इन द फॉर्म ऑफ अनदर पर्सन, किसी इंसान की शक्ल में। इट गिव्स पॉजिटिव आंसर्स, ये पॉजिटिव आंसर देता है टू बी, बट समथिंग नीड टू बी चेंज बिफोर दे कैन हैपन, लेकिन कुछ चेंज आएगा तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप वैसे ही रहेंगे, आप ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारेंगे और आप अपने फैसले लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, दूसरों से मशवरा नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। टू जो है वो लिक्विड से जुड़ा हुआ है, अगर लिक्विड से कुछ लोग जुड़े हैं उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, उनको मेडिसिन से अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। केमिस्ट्री, उसी क्रिएचर से जुड़े हुए हैं लोग, एम्फीबियन से जुड़े हुए हैं, वुमेन इन जनरल द कॉमन पीपल से जुड़े हुए हैं, तो उनके रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, ट्रेवलर से जुड़े हुए हैं, जो होटल के अंदर काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं वहाँ पर एक आपको फ़ायदा होगा, फिशरमैन से जुड़े हैं, मैसेंजर से जुड़े हैं। सडन चेंजेस इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा चेंज है, कोई ऐसी तब्दीली आई जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस तरह का वाकया हो जाए। और इम्पॉर्टेंट डे जो है इस वीक का आपके लिए वो मंडे है, तो आपने देखना है कि मंडे को आपके साथ क्या इम्पॉर्टेंट जो है वो वाकया होता है। और इसमें आज़म आपने जो भी अपना काम शुरू करना है उससे पहले आपने अपने बर्ज के मुताबिक, यानी अगर आप कैंसर के बर्ज के अंदर पैदा हुए हैं तो या वदूद हो या मुइज़ हो या करीम हो या अल्लाह हो, ये कैंसर का इसमें आज़म है, इसको पढ़ना है ताकि आपके तमाम तर कामों में बेहतरी आए, अल्लाह ताला इज्जत भी दे, अल्लाह ताला करम भी फरमाए आप पर। आइए नेक्स्ट ज़ोडियक साइन को देखते हैं। पाँचवीं ज़ोडियक साइन लियो है, और लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो या हाकिम सैयारा है वो शम्स है या सन है। तो आइए लियो के बारे में आपको बताते हैं कि लियो का इस हफ्ते का जो सारे प्लैनेट है उसके ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है ज़ोडियक साइन पे वो मार्स है। 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स, मार्स से जुड़ा हुआ है, प्लैनेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है मार्स, और इम्पल्सिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एकदम से चीज़ें होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। सक्सेस सम टाइम सक्सेस कम थ्रू स्ट्रेंथ एंड एम्बिशन, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी थ्रू स्ट्रगल, आपके अंदर जज्बा होगा, पैशन होगा, तो आपको, और जब आप स्ट्रगल करेंगे उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। इस वीक में जो भी आपके मामले आते हैं उसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्टलेसली आपको कुछ नहीं मिलेगा इस वीक, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको उसका आउटकम मिलेगा। ओवरकमिंग अपोजिशन, जो अपोजिशन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा आपको, एंड ब्रेकिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स आर फेवर्ड, और आप ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करेंगे तो वो आपके फेवर में जाएगी। 9 इज एसोसिएटेड विद हॉक्स, ये परिंदों से जुड़ी हुई है, शार्क से जुड़ी है, प्रेडेटर्स इन जनरल जुड़ी हुई है, गार्ड एंड हंटिंग डॉग से जुड़ी हुई है, सोल्जर से जुड़ा हुआ है, सर्जन से जुड़ा हुआ है, बुचर्स, थीव्स, वॉच मेकर्स, दोज हू वर्क विद फायर, जो आग का काम करते हैं, कुक्स, फर्नेसेस, कंपिटिटर्स से ये जुड़ा हुआ है। और जिस दिन से जुड़ा है वो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आप देखिए कि उस दिन आपके साथ क्या
वाकया होता है, लेकिन ट्यूसडे आपके लिए इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट दिन होगा जो कि आपका जिसमें आपको सक्सेस भी मिल सकती है और कोई ऐसा वाकया भी आपके साथ हो सकता है जो आपके लिए लाइफ चेंजर हो। इसमें आज़म जो लियो जोड़िया का है वो या फत्ताह हो या रहमान हो या रज़ाक हो या अल्लाह हो, ये इसम आप अगर विद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा, आप पर रहम भी फरमाएगा, आपके रिस्क में भी बरकत होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो जोड़िया साइन है हमारे पास वो है जी वर्गो, और वर्गो का हाकिम सैारा जो है वो मरकरी होता है। दिस वीक फॉर वर्गो इज़ अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशन ऑफ प्लैनेट मरकरी। प्लैनेट मरकरी जो है वो इस वीक आपके ऊपर जो है असरअंदाज होगा। 5 नंबर है मरकरी का और वो जाहिर करता है सक्सेस। अगर आपके मामलात एजुकेशन या रिलेशनशिप से जुड़े हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट यू विल नीड टू कॉशन हेयर बिकॉज 5 टेंड्स टूवर्ड्स फ्रीडम एंड नॉट स्टेबिलिटी। 5 का जो बिहेवियर होता है वो आज़ादाना होता है, वो एक रिबेलियस किस्म की जो है ना उसका एक एटीट्यूड होता है, तो वो उसकी जो रिबेलियस एटीट्यूड है उससे फिर स्टेबिलिटी जो है वो अचीव नहीं कर पाता, अपने मामलात में ठहराव नहीं ला पाता वो। तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप्स में और एजुकेशन में बहुत फ़ायदा हो इस वीक। 5 इज़ एसोसिएटेड विद मरकरी, मैथमेटिशियन से जुड़ा हुआ है, प्लैनेट मरकरी से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बेहतरी होगी इस वीक में। मर्चेंट्स से जुड़ा है, पोएट से, एम्बेसडर से, क्लर्क से, अपॉर्चुनिट से, क्लेवर स्पीच से जुड़ा है, शॉप्स, स्कूल्स, प्लेसेस वेयर गेम्स आर प्लेड, जहाँ पर स्पोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, इसी तरह वेडनेसडे से जुड़ा है। तो देखिए वेडनेसडे को आपके साथ क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसमें आज़म वर्गो का जो है वो या वदूद हो या मुहिज़ हो या करीम हो या अल्लाह हो, ये आपने वर्त करना है हर अपने ज़रूरी काम से पहले। जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो ये अल्लाह के नामों का वर्त करके आप उसको शुरू करें ताकि अल्लाह ताला उसमें बेहतरी फरमाए। आइए नेक्स्ट ज़ोडियक पे चलते हैं जो कि लिब्रा है। लिब्रा का जो हाकिम सैारा है वो वीनस है, यानी जोरा। दिस वीक फॉर लिब्रास आर अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशन ऑफ प्लैनेट मून। इस वीक जो है लिब्रा के ऊपर जो अफेक्ट होगा वो प्लैनेट मून का होगा, नंबर 2 का। 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, 2 जो है वो मून का नंबर है। इट कैन शो अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और ये जाहिर करता है कि आपकी इस हफ्ते तवज्जो जो है वो आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेंगे। अनइजीनेस आपको रहेगी और इनस्टेबिलिटी, एंड ऑफन इंडिकेट्स द नीड फॉर सम गाइडेंस, और यहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए किसी बुजुर्ग की, किसी साथी की, किसी मुखलिस दोस्त की, ताकि वो आपको इस जो भी इस वीक आपके पास सिचुएशन आने वाली है उसमें निकलने में मदद कर सके। इट गिव्स पॉजिटिव आंसर्स बट समथिंग नीड टू चेंज बिफोर दे कैन हैपन। जहाँ मून आ जाता है उसमें आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, लेकिन कोई चेंज आता है तो उसके बाद ही वो ट्रिगर अप करते हैं। 2 इज़ एसोसिएटेड विद लिक्विड्स, लिक्विड से जुड़ा है, आप देखते रहिए, मेडिसिन से जुड़ा है, केमिस्ट्री, सी क्रिएचर्स, एम्फीबियंस, वुमेन इन जनरल, द कॉमन पीपल, रिलेशनशिप्स, ट्रेवलर्स, फिशरमैन, मैसेंजर्स, सडन चेंजेस से जुड़ा हुआ है मून। एकदम से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आई, चेंज आया जिसकी वजह से आपको आपकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। एंड मंडे से जुड़ा हुआ है, तो देखिए मंडे को आपके लिए क्या होता है, मंडे आपके लिए बहुत अहम है। इसी तरह जो भी आप अपना काम करें तो उससे पहले आपने अल्लाह ताला के नामों का इसमें आज़म जो होता है बुर्ज साहब के जुड़ा हुआ उसका वेद करना है। या अली या अल अली या अजीम या अल्लाह, ये अल्लाह ताला का जिक्र है, इसमें शरीफ है, इसकी आपने इसको आपने पढ़ना है ताकि आपके तमाम तर जो काम है उसमें आपको इज्जत भी मिले और आपके काम आसानी से हो जाए। नेक्स्ट जो आपका ज़ोडियक साइन है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है। दिस वीक फॉर स्कॉर्पियो इज़ अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशन ऑफ प्लैनेट केतु। इसके ऊपर केतु के इफेक्ट पड़ रहे हैं, नंबर 7 के इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो कि ब्लैक मून को रिप्रेजेंट करता है। इसको केतु कहा जाता है, ये सदर्न नोड होता है आपके उसका केतु का चांद का। इट रिफर्स टू द लाइफ ऑफ द माइंड, ये आपके जहन से की जो ज़िंदगी है उससे लिंक होता है। आप किस तरह से सोचते हैं और आपका जहन किस तरह से इर्तिका करता है, मुख्तलिफ थाट्स के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। एनी थिंग रिक्वायरिंग रीज़न एंड फोर थाट इज़ फेवर्ड। इस हफ्ते कोई कहीं पर प्लानिंग है या कहीं पर रीजनिंग है किसी चीज़ के बारे में तो वो फेवर्ड है, उसमें बड़ा फ़ायदा होगा आपको। बट बिजनेस एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट, लेकिन बिजनेस और रिलेशनशिप्स में आज इस हफ्ते आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसमें आप बैकफुट पर रहेंगे। 7 इज एसोसिएट विद वॉल्चर्स, वॉल्चर से जुड़ा है, हॉर्न एनिमल से जुड़ा है, प्लेसेस बिलो ग्राउंड, ग्रेव्स वगैरह से जुड़ा है, केव से जुड़ा है, फैनेटिक्स फॉर कॉज, जुनूनी लोगों से जुड़ा हुआ है,
सॉलिटरी पीपल, दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड, उन लोगों से जिन्होंने दुनिया को अब छोड़ दिया है और वो उनसे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल लिबरेशन से जुड़ा हुआ है, रूहानी आज़ादी से, ट्रेजर और विजडम बेयरर्स मीन्स हिकमत वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इस हफ्ते आपके पास इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं जो मैंने आपको इंडिकेट किए। इसमें आज़म जो आपने पढ़ना है वो या मुइज़्ज़ो या रज़ाक़ो या फ़त्ताहु या अल्लाहु, ये इसमें आज़म का रिवेद आपने जारी करना है हर अपने ज़रूरी काम को शुरू करने से पहले। सेक्रेटेरियस पे आ जाते हैं, अगर आप नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21 के दरमियान पैदा हुए हैं तो आपका ज़ोडियक साइन सेक्रेटेरियस है। सेक्रेटेरियस जो है वो अफेक्ट, इस दफ़ा उसको अफेक्ट कर रहा है मून, और अगेन मून जो है वो इसमें जो है आपका जो रिज़ल्ट होगा किसी भी काम का इस हफ्ते आप जो करना चाहते हैं वो डाउटफुल होगा कि वो जो रिज़ल्ट है वो काम होगा नहीं होगा, आखिरी वक्त तक अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी। मून जो है वो उसकी वजह से ये होता है कि इंसान की जो सोचने की सलाहियत है उसको वो मुतासर करता है और उसको जो है वो एक जो उसका थॉट प्रोसेस है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, अनइजीनेस फील करता है इंसान, उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेंटली वो अनस्टेबल रहता है। तो ये अपने जहन में रखिएगा और मून उसी वक्त आपको जो है वो फ़ायदा देगा, सक्सेस आपको मिलेगी क्योंकि मून इस वक्त रूल कर रहा है और इम्पैक्ट डाल रहा है आपके प्लैनेट के ऊपर, आपके जोड़िएक पे। तो आपको जो सक्सेस मिलेगी वो उसी वक्त मिलेगी जब आपका कुछ तब्दीली आएगी, कुछ चेंज आएगा। टू जो है वो लिक्विड से, मेडिसिन से, केमिस्ट्री से, सी क्रिएचर्स, एम्फीबियंस, वुमेन से जुड़ा है इन जनरल, कॉमन पीपल से जुड़ा है, रिलेशनशिप से जुड़ा है, ट्रैवलर्स, फिशरमैन, मैसेंजर से जुड़ा है, सडन चेंजेस से जुड़ा है और मंडे से जुड़ा हुआ है। मंडे को आपने ध्यान रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। इसी तरह जो भी आप काम करें सेक्रेटेरियस वाले जो हैं तो अपना इसमें आज़म जो आपके ज़ोडियक साइन से जुड़ा है, या अलीम हो या अली या मुइज़्ज़ो या अल्लाह हो, अगर आप ये पढ़ते हैं, इसको विर्द में रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको इल्म भी अता करेगा, आपको इज़्ज़त भी बख्शेगा और आपके जितने भी काम हैं वो बड़े आसानी से होंगे, उनमें पॉजिटिविटी रहेगी, अल्लाह की मदद शामिल रहेगी। आइए नेक्स्ट ज़ोडियक पे चलते हैं। नेक्स्ट ज़ोडियक हमारे पास जो है वो कैप्रिकॉर्न है। अगर आप 22 ऑफ दिसंबर से लेके तो 21 ऑफ जैन के दरमियान पैदा हुए हैं तो आपका ज़ोडियक साइन कैप्रिकॉर्न है। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है प्लैनेट वो मरकरी है, जो कि जुड़ा हुआ है 5 के हिंसे से। 5 इज़ द नंबर ऑफ मरकरी, 5 मरकरी का हिंसा है, विच कैन बी इंडिकेटिव ऑफ सक्सेस, जो कि सक्सेस के साथ जुड़ा है। इफ़ द क्वेश्चन रिगार्ड्स एजुकेशन और रिलेशनशिप, अगर आपका जो सवाल है, आपका जो इस हफ्ते कोई अगर मसला आपको प्रॉब्लम आती है, कोई मैटर है आपका, कोई कंसर्न है आपकी और वो एजुकेशन रिलेशनशिप से जुड़ी है तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स वगैरह की बात हो रही है, उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस हफ्ते, सही है। बट यू विल नीड टू यूज़ कॉशन हेयर बिकॉज 5 टेंड्स टूवर्ड्स फ्रीडम एंड नॉट स्टेबिलिटी, लेकिन आपको मोहताद ये रहना पड़ेगा कि 5 जो है वो आपको फ्रीडम की तरफ, रेबेलियस एटीट्यूड की तरफ लेके जाता है, आज़ादी की तरफ ले जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाता। 5 इज एसोसिएटेड विद मरकरी, 5 मरकरी से जुड़ा हुआ है, मैथमेटिशियन से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स से जुड़ा है, मर्चेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, पोएट्स, एम्बेसडर से जुड़ा है, क्लर्क से जुड़ा है, अपॉर्चुनिट से जुड़ा है, अच्छे जहीन लोगों से जुड़ा हुआ है, शॉप्स स्कूल्स के से ये जुड़ा हुआ है, प्लेसेस वेयर गेम्स आर प्लेड, यहाँ स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनसे जुड़ा है, और वेडनेसडे से जुड़ा है। तो ज़रूर देखिएगा कि वेडनेसडे को आपके साथ क्या अहम इवेंट होता है, और जो भी आप काम करें उससे पहले आपने अपने ज़ोडियक साइन का इसमें आज़म ज़रूर पढ़ना है। और कैप्रिकॉर्न का इसमें आज़म है या हलीम हो या हकीम हो या मुइज़्ज़ हो या अल्लाह हो, जो काम करें उससे पहले इसको पढ़ें ताकि अल्लाह की मदद उसमें शामिल रहे। एक्वेरियस, दिस वीक फॉर एक्वेरियंस इज अफेक्टेड बाई द कॉस्मिक रेडिएशन ऑफ प्लैनेट सैटर्न एंड नंबर 8। इस हफ्ते जो एक्वेरियस वाले हैं, यानी कि वो लोग जो 22 जैन से 21 ऑफ फेब के दरमियान पैदा हुए हैं, वो एक्वेरियंस हैं, और एक्वेरियंस के ऊपर इस हफ्ते प्लैनेट सैटर्न की जो है वो इम्पेक्ट करेगा। 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न, 8 सैटर्न का नंबर है एंड कैन इंडिकेट डिलेज, और ये डिलेज को ज़ाहिर करता है, ऑब्स्टिकल्स को, डिफ़िकल्टीज को ज़ाहिर करता है हर किस्म की। इफ़ द कंसर्न इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके जो सवाल है, आपका जो मसला है, आपकी जो वरी है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, फार्मिंग के बारे में है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में है, तो आंसर आपको फेवर में मिलेगा। अदर देन जो आपके दूसरे मामला आते हैं उन सब में डिले और ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। 8 इज़ एसोसिएट विद डॉग्स, ये कुत्तों के साथ जुड़ा है, बेयर्स, वुल्स वगैरह के साथ, कैट्स के साथ जुड़ा है, कंट्रोल के साथ जुड़ा है,
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ जुड़ा है, ट्रेड्समैन के साथ जुड़ा है, दोस्त वर्क बिहाइंड द सीन्स जो पसे पर्दा काम करते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, अंडरटेकर्स के साथ जुड़ा है, गार्डनर्स पेशेंट्स के साथ जुड़ा है, सीरियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, टेकिंग कमांड किसी चीज़ के अपने कमांड में लेना उससे ये जुड़ा हुआ है। और ये जिस दिन से जुड़ा उसका नाम सैटरडे है, तो सैटरडे को देखिएगा कि आपके साथ क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एक्वेरियस वालों, और इस जोड़ी के एक्वेरियस वाले जो हैं जो भी अपना काम करें तो उससे पहले अल्लाह के नाम का जिक्र जो है, यानी ये आपका जो इसमें आज़म है इसको ज़रूर पढ़ें, या मुइज़ हो या करीम हो या वदूद हो या अल्लाह हो, ये ज़रूर पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद अपना काम शुरू करें ताकि उसमें अल्लाह की मदद शामिल रहे और आपको आपका जो भी काम है वो बखूबी पाया तकमीन तक जाग सके। अब जो लास्ट जोडियक साइन है वो पाइसीज है। दिस वीक फॉर पाइसियंस इज अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशंस ऑफ प्लैनेट मार्स एंड नंबर 9। अगर आप जो है वो फरवरी 22 से लेके मार्च 21 के दरमियान में पैदा हुए तो आपका जोडियक साइन पाइसीज है। इस हफ्ते पाइसीज के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है प्लैनेट उसका नाम मार्स है। 9 इज द नंबर ऑफ मार्स, 9 जो है वो मार्स का नंबर है, द प्लैनेट ऑफ एनर्जी, और मार्स जो है वो एनर्जी का प्लैनेट है, करेज का प्लैनेट है, मार्स इम्पल्सिवनेस का प्लैनेट है, मार्स एक जोश एक वलवला लेके आता है लोगों के अंदर। सक्सेस कम थ्रू स्ट्रेंथ एंड एम्बिशन, सक्सेस आपको मिलेगी लेकिन मिलेगी स्ट्रेंथ के साथ, कुवत अगर आपके पास होगी और आपके अंदर पैशन होगा उस जगह तक पहुंचने का तो आपको मिलेगी, आप वेल मोटिवेटेड होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरकमिंग अपोजिशन एंड ब्रेकिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स आर फेवर्ड, आप इसमें जो फेवर आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा कि आप अपनी अपोजिशन को ओवरकम करें और ब्रेक थ्रू दी ऑब्स्टिकल्स, और अपने जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको तोड़ के आगे निकलें। 9 इज एसोसिएट विद हॉक्स, ये हॉक्स के साथ जुड़ा है, शार्क के साथ जुड़ा है, प्रीडेटर्स के साथ जुड़ा है, इन जनरल गार्ड के साथ जुड़ा है, हंटिंग डॉग्स के साथ जुड़ा है, सोल्जर्स के साथ, सर्जन्स के साथ, बुचर्स, थीव्स, वॉचमेकर्स जो कि आग का काम करते हैं या आग के साथ काम करते हैं, मिसाल के तौर पे तंदूर हो गया, मिसाल के तौर पे लोहार वाले लोहार के काम करने वाले हो गए, कुक्स के साथ ये जुड़ा है, फर्नेसिस के साथ जुड़ा है, कॉम्पिटेटर्स के साथ जुड़ा है, मुकाबला करने वाले, और ट्यूसडे के साथ जुड़ा है। तो इंशाल्लाह देखिए कि ट्यूसडे आपके लिए बड़ा अहम होगा इस हफ्ते पाइसिस वालों के लिए, देखें कि ट्यूसडे को आपके साथ क्या अहम इवेंट होता है। जो भी काम करें उससे पहले या फत्ताहू ये अपना इसमें आज़म जो आपको दिया गया आपके जोडियक साइन का उसको ज़रूर पढ़ें, या फत्ताहू या अली हो या रज़ाक हो या अल्लाह हो ये आपका इसमें आज़म है इसको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको उसमें अल्लाह ताला जो है वो बरकत आपके काम में दे। तो ये थे आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा सितारों की बात नकवी के साथ। तो आपने देखा कि इस हफ्ते ओवरऑल आपने देखा कि जोडियक साइंस जो हैं अब उनके जो हालात थे ये हफ्ता उनका किस तरह का गुजरेगा वो आपने देखा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।